मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं मनीष वत्स आपका स्वागत करता हूँ कृषि ज्ञान पावर्ड बाय वेस्टिज एग्री के 80वें एपिसोड में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हम बात करते हैं अलग अलग फसलों के बारे में, कैसे आप उसमें वेस्टिज एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई क्रॉप के साथ। आज हम बात करेंगे ब्रिंजल के बारे में, बैंगन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है ये एक मेन वेजिटेबल क्रॉप है जो अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जाती है अलग अलग समय पे। तो अगर आपके क्षेत्र में बैंगन की फसल लगाई जा रही है तो आप शुरुआत से लेकर आखिर तक वेस्टिज के क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप अभी खेत तैयार कर रहे हैं तो पहला स्टेप रहेगा बिफोर सोइंग, सोयल एप्लीकेशन में अगर आप खेत तैयार करते समय वेस्टिज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वेस्टिज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जिसकी डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक ग्रेनुअल करता क्या है, आपकी फसल में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में, उसकी उर्वरा क्षमता को, फर्टिलिटी को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दूसरा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टिज एग्री एक्वाजल, जिसकी डोज रहेगी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। एक्वाजल करता क्या है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं बिफोर सोइंग एक्वाजल को सही से मिट्टी में, तो यह करता है 50% तक आपकी सिंचाई की लागत को कम करने में मदद करता है और 40% तक खाद की लागत को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये पानी को और पोषक तत्वों को लंबे समय तक बांध के रखता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि किसान अपनी इनपुट कॉस्ट को कम कर सकता है, अपनी लागत को घटा सकता है। तो अगर आपके क्षेत्र में बैंगन की फसल लगाई जा रही है इस समय पे और उसमें अभी खेत तैयार कर रहे हैं किसान, तो आप इस स्टेप को फॉलो करके या बता के आप इजीली किसी भी किसान को जागरूक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टिप समझ में आएंगी, आप इनको शेयर करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।